Once again, I heartily welcome to all of you in this lecture. In this lecture, we are going to discuss those issues which already we discussed in many lectures. Actually, next five lectures focus on which things we have seen in last many lectures. I want to focus on particularly the ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ ऑल द लेक्चर्स. जितने भी हमने अब तक लेक्चर देखे हैं उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्ज़ाम की ओर से पूछे जा सकते हैं, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे हाईलाइट डालना चाहता हूँ. सो लेट्स बिगिन आवर ब्यूटीफुल जर्नी टू रिवाइज ऑल द थिंग्स विच वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. So the first lecture deals with 20 important questions, and let's begin this beautiful journey with the explanation of each and every question. The first question is the important, what we say, the most prominent US among feminists were. So yeah, kya dikhaya gaya hai कि फेमिनिस्ट क्रिटिक्स में सबसे महत्व के यूएस के यानी अमेरिका के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट कौन थे. तो वो दे वेर नॉट ओनली जस्ट द राइटर्स और द फेमिनिस्ट, दे हैड डिवोटेड देमसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ ब्लैक फेमिनिज्म एंड लेस्बियन फेमिनिज्म. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Black and lesbian feminists who belonged to the US minorities among the feminist writers. So I had explained this concept of US minorities and by US minority writers, particularly the black and lesbian feminists. Now turn to next question. During the feminist phase, which began in 1880 and ended in 1920 of feminism, women, what was the feature of feminist criticism? So यह question जो पूछा गया है इसका मतलब क्या है कि 1880 से लेकर 1920 यानी तकरीबन 40 साल की पीरियड में जो फेमिनिस्ट फेस था, वो फेमिनिस्ट फेस किस वुमेन के किस प्रॉब्लम पे फोकस डाल रहा था, इस तरह का ये क्वेश्चन है. तो क्या है, ये अलग अलग चार ऑप्शंस दिए हैं. हालांकि ये चारों भी ऑप्शन तकरीबन सेम है, लेकिन उसमें से एडवोकेटेड फॉर माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रोटेस्टेड. तो फेमिनिज्म की जो इश्यूज थे, तो ऑल फीमेल्स ऑफ द वर्ल्ड हैड नॉट द सेम इश्यूज. जो माइनॉरिटी राइट्स थे उसके बारे में भी उनको वो दे वेर फाइटिंग फॉर द राइट्स टू द patriarchal society. So the answer is advocated for minority rights and protested. तो कौन सा फेमिनिज्म है, ये फेमिनिस्ट फेज फर्स्ट है, सॉरी सेकंड. दिस इज द सेकंड फेज. फर्स्ट फेज हमने देखा था वो 1840 से लेकर 1880 तक का वो फर्स्ट फेज समझा जाता है. नाउ लेट्स टर्न टू द थर्ड क्वेश्चन. फेमिनिज्म इज नो लॉन्गर, यानी यह क्या है, फेमिनिज्म क्या है या क्या नहीं है, इसके बारे में हमें पूछा गया है. नो लॉन्गर डाइवर्स, तो अभी भी डाइवर्स है तो हम उसके बारे में तो ये नहीं कह सकते. फिर बाद में क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रार्कल सोसाइटी, ये तो पहले से इश्यू उनका हैंडल करते आए हैं, और ऑर्गेनाइज्ड ये भी नहीं है तो ये ऑर्गेनाइज्ड है. तो यह एक होमोजेनियस, ये उसका सही आंसर रहेगा. यानी फेमिनिज्म इज नो लॉन्गर होमोजेनियस, यानी फेमिनिज्म डजंट हैव ओनली वन ब्रांच. फेमिनिज्म हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ब्रांचेस, एंड वी कैन से दैट लेस्बियन फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म और द ब्रिटिश फेमिनिज्म, इवन वी हैव द इंडियन फेमिनिज्म टू. सो सच टाइप ऑफ थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एरिया ऑफ फेमिनिज्म. दैट इज़ व्हाई फेमिनिज्म इज नो लॉन्गर ओनली होमोजेनियस. Now let's turn to the next question. Feminist criticism, ये भी बहुत इशू इम्पॉर्टेंट है कि
फेमिनिज्म तो एक ठीक है, लेकिन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है, यू शुड नो इट। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म मीन्स व्हाट द टेक्स्ट विच हैव बीन रिटन बाय आइदर मेल और फीमेल राइटर्स, दिस टेक्स्ट हैव बीन फोकस्ड विद द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू और फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन जनरल हैज मूव्ड अवे फ्रॉम एक्सपोजिंग मेल बायस एंड टॉवर्ड्स स्टडिंग वुमेन्स टेक्स एंड वुमेन ऑथर। तो क्या हुआ है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में, पहले क्या था कि मेल राइटर्स या फीमेल राइटर्स में कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्या दिखाया गया है ये नहीं जाना जाता था, केवल सोसाइटी में जो भी है मेल बायस है फीमेलिज्म के बारे में और फीमेल्स के बारे में इतना ही फोकस किया जाता था। लेकिन एज द डेज पास्ट द इशू वॉज चेंज्ड फ्रॉम जस्ट एक्सपोजिंग द मेल बायस एंड इट बिगैन टू कवर द लार्ज फेनोमेना ऑफ द ह्यूमन लाइफ, पर्टिकुलरली स्टडिंग वुमेन्स टेक्स्ट। तो वुमेन टेक्स्ट कौन सी है, जेन ऑस्टिन की कुछ किताबें हैं, जनरली प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, ओके। एंड फीमेल ऑथर्स, वी हैव मल्टीपल फीमेल ऑथर्स एंड एवरी फीमेल ऑथर अटेम्प्ट्स टू फोकस ऑन सम डिफरेंट इश्यू ऑफ द फीमेल वर्ल्ड। सो हियर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द नॉलेज। नाउ लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर स्टडीज। एक्चुअली व्हाट इज जेंडर स्टडी, जेंडर स्टडी मीन्स वेयर द स्टडी फोकसेस ऑन द इक्वल राइट्स ऑफ मेल एंड फीमेल, ओके। सो हियर व्हाट डज जेंडर स्टडी, सो इट examines हाउ जेंडर इज लेस determined बाय नेचर देन कंस्ट्रक्टेड बाय कल्चर। जेंडर में क्या एक बहुत खासियत या बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है कि जेंडर फेमिनिज्म में नेचर ने जो मेल फीमेल ऐसा डिवाइड किया है उससे ज़्यादा हमारा कल्चर क्या करता है, ये ज़्यादा सेग्रीगेशन करने की कोशिश करता है। और ये सेग्रीगेशन किस तरह किया गया है, इसका जहाँ स्टडी किया जाता है, जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड द जेंडर स्टडीज, ओके। सो इन लास्ट ईयर TYBA हैड द सब्जेक्ट जेंडर स्टडीज, बट दिस ईयर वी चेंज दिस सब्जेक्ट बिकॉज इन क्रिटिसिज्म वी फोकस दिस सब्जेक्ट प्रोमिनेंटली रिगार्डिंग द इशू ऑफ मेल एंड फीमेल। सो दिस वॉज द डिस्कशन अबाउट द जेंडर स्टडीज। नाउ लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ एलन शॉल्टर्स फोर मॉडल ऑफ सेक्सुअल डिफरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हु वॉज एलन शॉल्टर एंड what she contributed in the study of feminism. Actually, she attempted to focus the female writers, the female body and the sexual difference with various aspects. In it, we have the biological aspect, we have linguistic aspect, we have psychological aspect and we have social aspect. These are the four aspects, 1, 2, 3, and 4. By these four aspects, the feminism was discussed by Ellen Showalter in her Models of Sexual Difference. Only occasional difference cannot be discussed because she didn't focus on occasional sexual difference and it cannot be called the model of sexual difference. So these are the four major issues which have been discussed by Ellen Showalter in her theory of feminism. Okay, now let's turn to the next question. Marxist feminists believe that. Now here we have two major theories came together. First of all, Marxism. Okay, Marxism के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, और दूसरा कौन सा है, फेमिनिज्म। ये जो चीज़ें हैं दो, तो इसमें क्या बताया गया है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म व्हाट एग्जैक्टली फोकसेस ऑन। सो इट फोकसेस ऑन दिस टू थिंग्स, विच टू थिंग्स, पर्सनल आइडेंटिटी इज इनसेपरेबल फ्रॉम द क्लास आइडेंटिटी एंड आर्ट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये दोनों चीज़ें इसमें
sorry, this is not the issue here. Art is always contributed by social beliefs and needs. तो ये जो दो चीज़ें हैं, दिस वन एंड दिस वन, दिस आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, बिकॉज बोथ थिंग्स, आर्ट इज ऑलवेज कंडीशनड बाय द सोशल बिलीफ्स एंड नीड्स, दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स कंसर्निंग टू फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, एंड अनदर इज द पर्सनल आइडेंटिटी इज इनसेपरेबल फ्रॉम क्लास आइडेंटिटी. सो क्लास आइडेंटिटी इज अ डिफरेंट इशू एंड पर्सनल आइडेंटिटी इज डिफरेंट इशू, एंड बोथ ऑफ द थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड prominently in the Marxist feminism. So I hope this issue might be discussed or would have been discussed in detail. Now let's turn to the next question. During the female phase, which began in 1920 of feminism, what was the condition of women? वुमेन के बारे में और वुमेन की कंडीशन क्या थी और वे कौन से इम्पॉर्टेंट इशू पे फोकस कर रहे थे. सो इन 1920s वी हैव द मेजर फीमेल राइट लाइक वर्जीनिया वुल्फ. वर्जीनिया का नाम आपने सुना है, वर्जीनिया वुल्फ. शी वॉज सच अ वंडरफुल राइटर ऑफ 20th सेंचुरी. 20वीं सदी की सबसे बेहतरीन फीमेल राइटर किसे कहा जाता है, तो वो वर्जीनिया वुल्फ को कहा जाता है, क्योंकि उसने जो भी लिखा वो इतना बेहतरीन था कि मानो दुनिया की हर औरत के जितने भी इश्यूज है वो इश्यूज उसके लिटरेचर से या उसके ऐसे राइटिंग से पुट अप कर रही हो. तो यह क्या है कि जो ये थर्ड फेज है, ये फेज में क्या फोकस किया जाता है, तो फोकस ऑन वीमेंस टेक्स्ट एंड वीमेन, यानि जो फीमेल्स के राइट्स है और फीमेल्स ने लिखे गए टेक्स्ट है, दोनों पर भी सही तरह से फोकस किया जाता है. अब लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड वेव फेमिनिज्म, जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया था, वो क्या, इसमें क्या फोकस किया जाता है. ये जो थर्ड वेव फेमिनिज्म, ये भी एलन शॉल्टर ने ही बताया है, एलन शॉल्टर. तो इसका क्या कहना है कि जो ये जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है, ये लोअर क्लास या थर्ड वर्ल्ड वीमेन, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है. लोअर क्लास यानी द लेडीज़ हु हैव एंगेज्ड इन वर्किंग क्लास, यानी दोज लेडीज़ हु आर सेलिंग वेजिटेबल्स ऑन द रोड, हु आर वर्किंग इन वर्किंग स्किललेस थिंग्स, स्किललेस, तो स्किल के बिना जो काम कर रही है, और दोज वीमेन हु आर वर्किंग ऑन द डेली वेजेस, ऑल दे आर कॉल्ड द लोअर क्लास वीमेन. ओके, तो ये जो वीमेन है इनके बारे में थर्ड फेज में बताया गया है. एंड द अदर थिंग व्हाट वी विल से, थर्ड वर्ल्ड वीमेन. तो थर्ड वर्ल्ड वीमेन कौन सी है, दोज वीमेन हु आर लिविंग पर्टिकुलरली इन इंडिया, अफ्रीका और इंडिया जैसे कंट्री में जो वीमेन रह रही है, उन्हें थर्ड वर्ल्ड वीमेन कहा जाता है. तो ये भी एक बहुत ही खास जानकारी है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. तो अब हम मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हाउ सेक्सुअल आइडेंटिटी इन्फ्लुएंसेस क्रिएशन एंड रिसेप्शन ऑफ लिटरेचर इज द फोकस ऑफ व्हाट. सो अगेन दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ जेंडर स्टडीज. जेंडर स्टडी का ये डेफिनेशन है, क्या है कि हाउ सेक्सुअल आइडेंटिटी इन्फ्लुएंसेस क्रिएशन एंड रिसेप्शन ऑफ लिटरेचर. सेक्सुअल आइडेंटिटी, इफ मेल इज देयर, मेल्स लिटरेचर विल बी डिफरेंट, एंड इफ फीमेल इज देयर, फीमेल्स वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट. सो इन जेंडर स्टडीज बोथ थिंग्स, सेक्सुअल आइडेंटिटी क्रिएट्स और इन्फ्लुएंसेस ऑन द क्रिएशन एंड रिसेप्शन ऑफ द लिटरेचर. किसी मेल राइटर ने लिखा होगा तो उसकी राइटिंग की ओर देखने का जरिया अलग होता है, और कोई फीमेल राइटर ने लिखा होगा तो उसने जो भी लिखा है उसकी ओर देखने का जरिया एक अलग होता है. सो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द जेंडर स्टडीज. नाउ लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द फेमिनाइन फेज ऑफ 1840 टू 80 ऑफ फेमिनिज्म, यानी ये पहला फेज है, दिस इज़ द फर्स्ट फेज, याद रखिए. ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज फर्स्ट फेज स्टार्टेड,
पहला फेज फेमिनिज्म का कब स्टार्ट हुआ, तो कब स्टार्ट हुआ था, इट वॉज स्टार्टेड इन 1840. ओके, एंड व्हाट वॉज द मेन इश्यू इन दिस फेज, सो हाउ फीमेल अटेम्प्टेड टू इमिटेट द डोमिनेंट ट्रेडिशन इन राइटिंग. तो पहली फेज में जितने भी राइटर्स थे, पर्टिकुलरली जेन ऑस्टेन है, जॉर्ज इलियट है, या और अलग अलग प्रकार की जो राइटर्स है, उन्होंने क्या किया, उस ज़माने के या उससे पहले जो भी डोमिनेंट राइटर थे, एज लाइक शेक्सपियर हो गया, या और कोई मिल्टन हो गया, मिल्टन, या कोई अलेक्जेंडर पोप हो गया, ये सभी का जो राइटिंग था, इन राइटिंग का जो डोमिनेंट ट्रेडिशन थी उसको उन्होंने फॉलो किया, और वो जो मेल राइटर जिस तरह लिख रहे थे उसी तरह इन्होंने भी लिखने की कोशिश की. हालांकि ये जो राइटिंग था दैट वॉज नॉट द प्रॉपर राइटिंग, और इट वॉज नॉट गिविंग द प्रॉपर जस्टिस टू द फीमेल वर्ल्ड, और इट वॉज नॉट सेग्रीगेटिंग द फीमेल इश्यूज़ इन सच टाइप ऑफ लिटरेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ये क्या होता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, तो उसके बारे में या कुछ अलग अलग व्यूज़ दिए हैं. तो इट इज़ कंसर्न्ड विद द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीमेन इन पैट्रियार्कल कल्चर, यस इट इज़ राइट. तो फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट कल्चर क्या होता है कि जो मार्जिनलाइज्ड कंडीशन वीमेन की है वो कहाँ, पैट्रियार्कल कल्चर में, यानी फादर ओरिएंटेड या मेल ओरिएंटेड कल्चर होती है उसमें फीमेल किसी मार्जिनलाइज सेकेंडरी और सब्स्टिट्यूटरी स्टेटस होती है, इसके बारे में फेमिनिस्ट क्रिटिज्म फोकस करता है. इवन इट ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ द सबॉर्डिनेशन ऑफ वीमेन इज रिफ्लेक्टेड इन चैलेंज्ड बाय लिटरेरी टेक्स्ट. तो लिटरेरी टेक्स्ट में पर्टिकुलरली इफ यू फोकस ऑन द लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ लॉरेंस, डीएच लॉरेंस का नाम आपने सुना होगा, लॉरेंस की जो टेक्स्ट होते हैं इसमें जो फीमेल है, फीमेल इज रिफ्लेक्टेड और चैलेंज्ड इन लिटरेरी टेक्स्ट, इनका कंडीशन सबॉर्डिनेशन दिखाया होता है. एंड ही ऑन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ट्राइज टू एग्जामिन द एक्सपीरियंसेस ऑफ वीमेन, जो औरतों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है वो फ्रॉम ऑल रेसेस क्लासेस एंड कल्चर. सो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन ऑल दिस थिंग्स, सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच फेमिनिज्म इज फोकस्ड ऑन, फ्रेंच फेमिनिज्म का जो मेन इश्यू है वो है बॉडी, फिर बॉडी की जो है ब्यूटी रहेगा, बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा, बॉडी का डिफरेंस रहेगा, द डिफरेंस फ्रॉम मेल टू फीमेल, एंड द बॉडीज हॉज डिस्ट्रक्शन. ये जो चार चीज़ें हैं बॉडी ओरिएंटेड, वो फ्रेंच फेमिनिस्ट फोकस करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ डिस्टिंक्टिव एंड कंसर्टेड अप्रोच टू लिटरेचर, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वॉज नॉट इनॉग्रेटेड अंटिल द लेट 1960s. हालांकि हमने ये देखा है कि फेमिनिज्म के एक अलग अलग फेजेस देखी है. पहली फेजेस कब स्टार्ट हुई, 1840 में, दूसरी 1880 में, और तीसरी 1920 में. ये थ्री फेजेस है, लेकिन फिर भी ये तीनों भी फेजेस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी जितनी 1960 के बाद अलग अलग राइटर्स ने फेमिनिज्म की ओर या फेमिनिज्म को एक अलग पिक्चर या अलग जानकारी या अलग आइडिया देने की कोशिश की है. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, एंड नाउ जस्ट वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरी वुल्स्टोनक्राफ्ट्स अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन, ये जो किताब है ये तो पहले बहुत पहले पब्लिश हुई थी. कब हुई थी, 1792 में. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1792 एंड इट वॉज द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन. तो मेरी वुल्स्टोनक्राफ्ट ने उस ज़माने में औरतों के द राइट्स जो रहते थे, औरतों के जो अधिकार थे, अधिकार के बारे में पहली बार मेरी वुल्स्टोनक्राफ्ट ने आवाज़ उठाई थी. तो कब उठाई थी, वो 1792 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैशडैश इज़ द राइटर ऑफ द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन. ये सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नाम का भी एक किताब है जो फेमिनिज्म का एक मास्टरपीस कहा जाता है.
रो कब पब्लिश हुआ था? वो पब्लिश हुआ था 1869 में, और उसके राइटर कौन है? ही इज़ द मेल राइटर, हिज नेम इज़ जे एस मिल, यानी जॉन स्टॉर्ट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गरेट फुलर डैश डैश क्रिटिक रोट वुमन इन द 19th century, उसका ये बहुत ही बेहतरीन किताब है वुमन इन द 19th century, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1845। तो ये मार्गरेट फुलर है, ये किस देश की प्रतिनिधित्व करती है? तो अमेरिका का है प्रतिनिधित्व करती है, यानी शी बिलोंग्स टू अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच ऑफ द फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म कंटिन्यूज इन आवर टाइम टू बी इंटर रिलेटेड विथ मोमेंट बाय पॉलिटिकल फेमिनिस्ट और सोशल लीगल कल्चरल फ्रीडम एंड इक्वालिटी, यानी अभी का जो क्रिटिसिज्म है उसमें सबसे मेजर क्या है? हाउ वुमन इज पॉलिटिकली फोकस्ड, इवन शी इज कंसर्न टू सोसाइटी, लीगसी, कल्चर, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, एट शी हैज़ बीन फोकस्ड बाय पॉलिटिकल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट प्रेकर्सर इन फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म ऑस वर्जीनिया वुल्फ, हमने इसके पहले भी इसका जिक्र देखा है, वर्जीनिया वुल्फ है जिसने द रूम ऑफ वंस ओन, द रूम ऑफ वंस ओन ये नाम का एक किताब लिखा, इसकी वजह से इसको वर्जीनिया वुल्फ को 20th century की एक मसीहा फेमिनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उसने हर एक इश्यू उसने पुटअप करने की कोशिश की है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डैश डैश इन एडिशन टू हर फिक्शन रोट अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया है, वो एक फिक्शन राइटर भी थी, कौन? वर्जीनिया वुल्फ, और उसके साथ उसने अ रूम ऑफ वंस ओन किताब लिखी, वो कभी लिखी? 1929 में। ये किताब जो है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एसेज, एक एसेज का कलेक्शन और है, और एक बेहतरीन किताब मानी जाती है। सो दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ द 20 questions विच वेयर कंसर्न टू फेमिनिज्म, बिकॉज फेमिनिज्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द क्रिटिसिज्म। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल फोकस ऑन नेक्स्ट 20 questions, एंड नाउ आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।